देन नेक्स्ट विंडो इज द नेविगेशन, एंटर। तो नेविगेशन में ये स्क्रीन जो आया है, ये स्क्रीन शॉर्ट स्क्रीन है, तो इसे पूरा मतलब बड़ा करने के लिए एंटर का बटन लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो ये कंप्लीट स्क्रीन हो गया। ओके, तो ये आपको स्क्रीन फॉलो करने के लिए दिया है। ओके, तो स्क्रीन जो है वो आपको इंफोटेनमेंट से नेविगेशन में जाना है। ओके, मतलब उसमें अगर हमको मैप वगैरह डालना है, लिखना है, तो वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए इस स्क्रीन में आपको डायरेक्शंस, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद कीपैड ओपन हो जाएगा। कीपैड में एड्रेस डालने के बाद सर्च के बाद जो कोई भी एड्रेस आपको चाहिए उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको किलोमीटर्स और एस्टिमेटेड टाइम बताता है। देन स्टार्ट करने के बाद रूट स्टार्ट हो जाता है और इधर भी उसका कॉपी। यस, तो ये आप स्क्रीन मिनिमाइज करके दूसरा कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गया, रेडियो हो गया, या फिर फोन। तो आपको रूट फॉलो करने के लिए ये स्क्रीन इनफ हो जाता है। ओके, तो फिर से वापस इसको छोटे स्क्रीन में करना है राइट हैंड साइड को, तो क्या एंटर का बटन लॉन्ग प्रेस करना है। हाँ, देन अगेन गो फॉर अ शॉर्ट स्क्रीन। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट सर। तो नेविगेशन क्लोज करने के लिए स्टॉप करना है, तो ही आपका वॉइस असिस्ट बंद हो जाता है और करंट लोकेशन पे आके रुक जाता है। तो अगर ये मिनिमाइज ही रहा तो रूट कंटिन्यूअसली रीराउटिंग करता रहेगा। ओके ओके, तो अब तक एंड वो एंड करना पड़ेगा। यस, एंड करने के बाद ही वो प्रोनाउंसिएशन बंद कर देगा। ओके ओके, देन नेक्स्ट विंडो इज ड्राइवर असिस्टेंस। तो ड्राइवर असिस्टेंस में जैसे ही आप, दिस इज ओनली फॉर एडास सिस्टम, मतलब जैसे आप क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करते हैं ऐसे, तो ये जो रेंज दिखा रहा है तो वो सामने वाली गाड़ी का ऑब्जेक्ट सेंस करने के बाद, तो यहाँ पे एक कैमरा दिया हुआ है जो कि वो उसका स्पीड कैच कर लेता है। तो जैसे ही उनका स्पीड लो हो स्टार्ट हो जाता है, तो वैसे ही आपका भी स्पीड लो होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। एट अ सडन मोमेंट अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो गाड़ी स्पीड और कम कर देती है। ओके, यस। अगर वो पूरा स्टॉप कर रहे हैं व्हीकल, तो आपका भी पूरा स्टॉप होगा, बट यहाँ पे क्लस्टर में कुछ सेटिंग्स दिए हुए हैं। तो वो सेटिंग्स अगर आप चेंज ओवर करते हैं, जैसे कि नॉर्मल, अर्लियर या फिर लेट, तो उसमें से अर्लियर सेटिंग अगर आप कर देते हैं तो उनके जैसे मोमेंट होंगे वैसे ही आपके मोमेंट गाड़ी में हो जाएंगे। Okay. तो वो सडन स्टॉप कर रहे हैं तो आपका भी उतना ब्रेक प्रेशर अलाउ, मतलब अप्लाई होके गाड़ी स्लो कर रही है। यस, ग्रेट ग्रेट। और उसके लिए एडास का या कैमरा या दोनों का यूज करता है ये टेक्नोलॉजी? यस यस, दिस वन इज फॉर एडास। ओके, कैमरा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देन नेक्स्ट विंडो इज डिस्प्ले लेआउट। तो क्लस्टर में तीन डिस्प्ले दिए हुए हैं। ये जो पैटर्न अभी देख रहे हैं आप, ये वाला जो है ये नॉर्मल पैटर्न है। तो वी विल गो फॉर अ नेक्स्ट पैटर्न, इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट, डायल पैड विल बी चेंज। तो ये डिस्प्ले बड़ा आ जाएगा और डायल छोटा आ जाएगा। ओके ओके, तो बीच का डिस्प्ले बड़ा आ जाएगा ना? जी, अगर मान लिया मैं मैप लगाऊं तो थोड़ा सा एक मिडिल का भी स्टेज। जी जी जी, ग्रेट ग्रेट सर। Then display layout. Display layout is अपने, this one is a minimal. तो again dial change हो जाएगी, pattern change हो जाएगा। Okay, normally जो था वो minimal में ही था। Normal mode में था। हाँ, और okay, तो इसमें minimal है, normal है और? Minimal, normal and information. Okay, तो information में छोटा होता है और बीच का बड़ा हो जाता है ना? Yes, yes. Good, good sir. तो एज ऑफ नाउ अभी हम नॉर्मल में ही रखते हैं। जब जैसे ही आपका एक ड्राइव पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हाँ, तो वैसे आप कोई भी मतलब चेंज ओवर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सेटिंग। सेटिंग में फर्स्ट ऑप्शन है ड्राइवर असिस्टेंस। ड्राइवर असिस्टेंस में फर्स्ट ऑप्शन एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, एंटर। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल में तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, स्लो, नॉर्मल एंड फास्ट। तो इसमें सिलेक्शन नॉर्मल का ही बाय डिफॉल्ट किया हुआ है, बिकॉज जैसे ही नए कस्टमर्स गाड़ी ड्राइव करते हैं तो क्रूजिंग का जो थ्रोटलिंग है
उसका रिस्पांस नॉर्मल ही होना चाहिए, बिकॉज फास्ट अगर कर दिया तो जैसे ही आप थ्रोटलिंग करते हैं वैसे मोमेंटमली स्पीड सडनली बढ़ता है, तो स्पीड विल बी इंक्रीज बाय नॉर्मल मोड ओनली। ओके, तो कंपनी से मतलब जैसे ही गाड़ी आती है वैसे बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सिलेक्टिव होता ही है। ओके ओके, देन नेक्स्ट वन इज सॉरी ऑटो इमरजेंसी वर्किंग, हाँ नहीं एडप्टिव क्रूज कंट्रोल, हाँ हो गया। सेकेंड वन इज एडप्टिव सॉरी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग में आपको ऑफ भी रख सकते हैं, अगर ऑफ रख दिया तो बाय डिफॉल्ट मतलब मैन्युअली क्रूज एक्टिवेट होने के बाद आपको कंट्रोल मैन्युअली करना पड़ेगा अगर सिस्टम डीएक्टिवेट मतलब ऑफ रहती है तो। देन सेकेंड वन इज फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग में कोई ऑब्जेक्ट गाड़ी मतलब आ रहा है रेंज में तो वो स्पीड कम करने के लिए आपको रिकग्निशन करेगा इस विंडो पे और आपको वार्निंग बजर स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके, देन नेक्स्ट वन इज ड्राइवर असिस्टेंस एंड ऑटो इमरजेंसी में ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो हमने बाय डिफॉल्ट अभी ब्रेकिंग का ये करके रखा है, सेलेक्ट करके रखा है ऑप्शन। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं म्यूजिक सुनते हुए या फिर आजू बाजू अगर कुछ ध्यान रहा आपका डिस्टर्बेंस रहा तो गाड़ी अगर क्रूज में ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड है तो जैसे ही सामने वाले की गाड़ी का स्पीड ज़रा भी कम हो जाता है यहाँ पे मोमेंट चेंज ओवर हो जाता है तो आपका गाड़ी भी स्लोली डाउन स्पीड ले लेगा। ओके ओके ओके, देन नेक्स्ट इज ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग में ही लास्ट ऑप्शन वार्निंग लेवल। तो वार्निंग लेवल कैसे होना चाहिए, लेट नॉर्मल और अर्लियर। तो लेट रख दिया तो मोमेंट मतलब सामने वाली गाड़ी पहले रुकेगी धीरे धीरे फिर ब्रेक स्लोली अप्लाई होते जाएंगे। तो नॉर्मल पे अभी सिलेक्ट है, अगर अर्लियर पे रख दिया तो जैसे ही वहाँ पे एक्शन होगा तो सडन मोमेंट मतलब आपका भी वैसे ही फास्ट एक्शन होगा। अगर उन्होंने सडन मोमेंट ब्रेकिंग कर लिया तो आपका भी उतना इम्पैक्ट मतलब आपका भी उतना इमीडिएटली स्लोली हो जाएगा। तो पीछे अगर कोई आ रहा है मैनुअल ड्राइव करते हुए तो उसका ध्यान भी चाहिए तो उतना डिस्टेंस मेंटेन रह जाता है गाड़ी में। ओके, तो रखना चाहिए इसमें नॉर्मल मोड, नॉर्मल मोड ही रखना चाहिए।